बाबा जी कई बार लोग जो होता है वो ग्रह पहन लेते हैं, रत्न पहन लेते हैं, और मान लीजिए अगर किसी को नीलम सूट किया वो करोड़पति बन गया, तो देखा देखी कोई और भी पैसा है तो चलो नीलम पहन लेते, लेकिन ये जो रत्न कितने पावरफुल होते हैं और आपको किस हद तक बर्बाद कर सकते हैं अगर आप इसको मिसअंडरस्टैंड करके आपने पहन लिया, देखा देखी पहन लिया, या अपना क्या कहते हैं कुंडली दिखाकर अगर नहीं पहना, तो किस हद तक आपको बर्बाद कर सकते, कहाँ तक ले जा सकते। देखिए, जो रत्नों का मुख्य रूप से कार्य है वो किसी भी ग्रह के फल को घटा या बढ़ा, घटाने का काम नहीं करता, बढ़ा देना उसके फल को। तो जिसके कुंडली में भाग्यश अगर शनि हो गए हैं वो नीलम पहनेगा तो उसके लिए जो है वो फल को बढ़ा देंगे, भाग्य बढ़ा देंगे। लेकिन वही नीलम जब मार्केश हो जाएगा तो जो शनि में क्या होता है कि बड़ी बीमारी देता है, ठीक है, दुर्घटनाएं देता है, ऑपरेशन देता है, तो वो क्या करेगा, समस्या को बढ़ा देगा। अब थोड़ी समस्या आनी है, अगर चोट थोड़ा लगना है तो बड़े दुर्घटना में बदल देगा, ठीक है, बीमारी देना है तो हॉस्पिटलाइजेशन में पूरी तरह से बदल देगा। तो समस्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा लीजिएगा, अगर जो देखी देखा पहनता है ना तो बर्बाद कर सकता है अपने को। किस लेवल तक बर्बाद कर सकता है, बहुत लोग लाइटली लेते हैं इस चीज़ को। वो उसके कुंडली के योग के आधार पर डिपेंड करता है कि कुंडली में जिस ग्रह का वो रत्न पहन रहा है वो कितना नुकसानदायक है। अगर वो अष्टमेश का स्वामी हो गया और मार्केश हो गया तो जीवन भी समाप्त कर सकता है, मतलब जान भी ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो ग्रही स्थिति बन रही है, जो योग बन रहे हैं, ठीक है, अब उसको बढ़ा दीजिए। अब वो दुर्घटना का है तो दुर्घटना होकर के आपका हाथ में मोच भी आ सकता है और पूरा वो ऑपरेशन की भी स्थिति भी आ सकती है, पूरा अंग भंग भी हो सकता है, तो उसके स्थिति को आप बढ़ा लीजिएगा। जो समस्या, देखिए, अगर कुंडली में नुकसान करने की स्थिति में वो ग्रह नहीं है तो कोई नुकसान नहीं मिलेगा। अगर उसको लाभ भी नहीं देगा ना तो उसको अंदर कोई उतार चढ़ाव कुछ दिखेगा ही नहीं दिखेगा। लेकिन जो फल मिल रहा है, अच्छा या बुरा, उसको वो बहुत बड़ी मात्रा में कर देता है। रत्न की यही विशेषता होती है, इसलिए बिना दिखाए तो कभी रत्न नहीं पहनना चाहिए। ओके।